तो हम लोग पिछले क्लास में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किए थे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अमिनो एसिड्स देखो एमिनो एसिड्स क्या है अमिनो एसिड्स एक नेचुरल कंपाउंड होता है अमिनो एसिड कंबाइन होकर क्या बनाता है ना प्रोटीन बनाता है प्रोटीन प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर होता है अगर प्रोटीन को हम लोग हाइड्रोलिसिस करें या प्रोटीन मोलिकूल को ब्रेक डाउन करें तो उसका जो मोनोमर मिलेगा वो तुम्हारा अमिनो एसिड मिलेगा इसीलिए अमीनो एसिड क्या है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमिनो एसिड्स नाम सुन के पता चल रहा है कि एमिनो एमिनो मतलब एक ग्रुप रहेगा और एसिड मतलब एक सी डब्लू एच ग्रुप रहेगा ठीक है ना तो जिस मॉलिक्यूल में बेसिकली ये दोनों फंक्शनल ग्रुप रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एमिनो एसिड्स तो लिख लो यहाँ पे वर एमिनो एसिड एमिनो एसिड्स आर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड एमिनो एसिड्स आर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड विच कंटेन बोथ एन एमिनो ग्रुप ग्रुप क्या है एमिनो ग्रुप एमिनो ग्रुप मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा एन एच टू एंड सी डब्लो एच कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा ना सी डब्लो एच ऐसे की सी डब्लो एच ग्रुप ये ग्रुप रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एमिनो एसिड ठीक है ना क्या बोलेंगे एमिनो एसिड अब देखो एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन पे है अल्फा पोजीशन पे है बीटा पोजीशन पे है या गामा पोजीशन से है इसके रेस्पेक्ट ने में उसका नेम होता है अल्फा एमिनो एसिड बीटा एमिनो एसिड या गामा एमिनो एसिड जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं जैसे क्या है एन एच टू सी एच यहां पर मान लो एक एल्काइल ग्रुप है और यहां पे क्या है सी डब्लू एच है तो यहां पे सी डब्लू एच के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन के साथ अगर एन एस्टू ग्रुप अटैच रहेगा किसके साथ अल्फा कार्बन के साथ अगर एन एस्टू ग्रुप अटैच रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड उसका हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड अगर ऐसा रहता है एन टू ग्रुप सी एच सी डब्लू एच रहता है ऐसे तो इसको हम लोग या तो फिर यहाँ पे काम करो यहाँ पे सी एच टू कर दो यहाँ पे आर कर दो तो ये है अल्फा कार्बन सी डब्लू एच ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है ये क्या है बीटा कार्बन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना बीटा एमिनो एसिड बीटा एमिनो एसिड बीटा एमिनो एसिड ऐसे ही अगर गामा कार्बन में रहेगा तो इसका नेम क्या हो जाएगा ना गामा अमीनो एसिड क्या हो जाएगा गामा अमीनो एसिड अल्फा बीटा गामा तो इसका नेम क्या हो जाएगा गामा अमीनो एसिड गामा अमीनो एसिड ठीक है ना ये नेम हो जाएगा अल्फा अमीनो एसिड बीटा अमीनो एसिड एंड गामा अमीनो एसिड बट इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है ना अल्फा अमीनो एसिड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है अल्फा अमीनो एसिड क्योंकि ये बेसिकली मासल स्टेंडेंस में रहता है ठीक है ना

इसमें किस, किस में रहता है अल्फाम एसिड बेसिकली ये रहता है मसल्स में ठीक है ना टेंडन्स टेंडन्स स्किन ठीक है ना ये सब में रहता है ये सब में रहता है ये

इन द नेचर ऑफ साइड चेन द डीफर द डीफर फ्रॉम ईच अदर इन द नेचर ऑफ साइड चेन ग्रुप आर मतलब अल्फा अमीनो एसिड का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जैसे कि एन एच टू यहाँ पे एच यहाँ पे आर और यहाँ पे सी डबल एच ये आ, ये क्या है हमारा अल्फा एमिनो एसिड क्या है ये अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड ये जो आर ग्रुप तुमको दिख रहा है ना आर ग्रुप ये आर ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हमारा अल्फा एमिनो एसिड भी चेंज होते जाएगा ठीक है ना अगर आर इक्वल टू एच हो जाता है आर इक्वल टू एच हो जाता है तो इसका नेम हो जाएगा इसका नेम हो जाएगा ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इसका नेम क्या हो जाएगा ना ग्लाइसिन क्या हो जाएगा ना ग्लाइसिन सबसे जितने सारे अमीनो एसिड है सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या है ना ग्लाइसिन अगर R इज टू सी एस थ्री हो जाएगा अगर हम R की जगह सी एस कर देंगे सी एस थ्री कर देंगे सी एस थ्री ग्रुप तो इसका नेम हो जाएगा क्या इसका नेम हो जाएगा एलानिन 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 -E. और आर की जगह आइसो ग्रुप कर देंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप सी CH, एच सी एच थ्री सी एच थ्री इसका नेम क्या हो जाएगा ना वैलिन इसका नेम क्या हो जाएगा ना वैलिन तो अल्फा एमिनो एसिड में ये जो आर ग्रुप है आर ग्रुप को चेंज करते करते हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड हम लोगों को मिलेंगे ठीक है ना तो ये हो गया अमीनो एसिड इसका नेम तुमको एनसीआर में मिल जाएगा बहुत सारे नेम है इसका 20 अमीनो एसिड में और यहाँ पे कौन सा कौन सा ग्रुप होगा तो उसका अमीनो एसिड का नेम क्या होगा वो मिल जाएगा जैसे ग्लाइसिन को क्या बोलते हैं इसका सॉर्ट एब्रीविएशन भी करते हैं ग्लाई एलानिन का एला ठीक है वेलिन का वी एल ऐसे इसका एब्रीविएशन करते हैं ठीक है ना है, है? है? ऐसे एब्रीविएशन करते हैं और भी बहुत सारे लाइसिन आइसोलिशीन ठीक है ना ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड तुमको मिल जाएंगे नेक्स्ट जो है हम लोग यहां पे करेंगे किसका स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब इसका स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे ऑफ अल्फा अमीनो एसिड तो अब लिखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अल्फा अमीनो एसिड जैसे कार्बोहाइड्रेट में करे थे डी एल कन्फिगरेशन ऐसे अमीनो एसिड में भी डी एल कन्फिगरेशन होगा ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे जो अमीनो एसिड होंगे उसमें एक ना एक एसिमेट्री कार्बन एटम रहेगा ग्लाइसिन में ग्लाइसिन में क्या है दोनों हाइड्रोजन यहां पे क्या है सेम है तो ये कायरल अकायरल हो गया तो इसका डीएल तो नहीं कर सकते ग्लाइसिन को छोड़ के जो भी अमीनो एसिड है ये सब अमीनो एसिड क्या हो गया तुम्हारा कायरल हो गया कायरल हो गया कायरल हो, हो गया तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं डीएल नोमिनक्लेचर कर सकते हैं ठीक है ना तो इसमें क्या करेंगे देखो फिसर प्रोजेक्शन में अगर इसका नेमिंग करेंगे तो ऊपर में सी डबल ग्रुप को रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा यहां पे हम लोग एन एस टू ग्रुप को रखेंगे और इधर अगर एच को रखेंगे और इधर आर ग्रुप को रखेंगे तो अगर तुम्हारा एनएस टू लेफ्ट साइड में है एन एस टू लेफ्ट साइड में है और हाइड्रोजन राइट साइड में इन न, line, इन द फ्राइजेंटल लाइन इन फिशर प्रोजेक्शन तो इसका क्या हो जाएगा एल एल कन्फिगरेशन क्या कन्फिगरेशन हो जाएगा एल कन्फिगरेशन ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट में बता चुके और अगर हाइड्रोजन राइट साइड में सॉरी हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में होगा हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में होगा तो इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा ना डी कन्फिगरेशन इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा डी कन्फिगरेशन डी कन्फिगरेशन ठीक है ना ऐसे ये डीएल नोमेनक्लेचर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट ने बता चुका हूं बेसिकली डीएल नोमेनक्लेचर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के लिए ही किया जाता है ठीक है ना अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड तो यहां पे लिखना एक चीज देखो एमिनो एसिड जैसे ह्यूमन बॉडी में भी मिलता है एनिमल्स के बॉडी में भी मिलता है तो इसका सोर्स के बेसिस पे अमीनो एसिड को क्लासीफाई किया गया है एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ठीक है ना एसेंशियल अमीनो एसिड एसेंशियल एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड हम लोग किसको कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड ना जो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है जेनरेट नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है तो बट हम लोगों ग्रोथ के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी में क्या है सिंथेसाइज नहीं होता है बट हम लोगों का बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए वो एसिड जरूरी है उसी को क्या बोलेंगे एसेंशियल नॉन एसेंशियल किसको कहेंगे ना जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होता है ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज होता है तो उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है उस अमीनो एसिड के लिए वो नॉन एसेंशियल हो गया क्योंकि वो तो हम लोग खुद का बॉडी में जनरेट हो रहा है तो दूसरे के से, मतलब हम लोगों को नहीं लेना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ठीक है ना तो इसमें लिखो एसेंशियल अमीनो एसिड के विच आर नॉट सिंथेसाइज विद इन आवर बॉडी नॉट सिंथेसाइज नॉट सिंथेसाइज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी इन आवर बॉडी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड क्या बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। एग्जाम्पल क्या है वैलिन क्या है एग्जाम्पल वैलिन आइसोल्यूशिन आइसोल्यूशिन ठीक है ना ये सब क्या है एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है ये सब एसेंशियल अमीनो एसिड और जो बॉडी में सिंथेसाइज्ड होता है सिंथेसाइज्ड सिंथेसाइज इन आवर बॉडी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जैसे क्या है एग्जाम्पल क्या है इसका इसका एग्जाम्पल क्या है ना no, ग्लाइसिन क्या एग्जाम्पल है ग्लाइसिन ग्लाइसिन एलानिन एलानिन ये क्या हो गया नॉन एसेंशियल अमिनो एसिड नॉन एसेंशियल अमिनो एसिड ठीक है ना अब ये तो सोर्स के बेसिस पे हो गया अब एमिनो एसिड में क्या है एक एमिनो ग्रुप है और एक एसिड ग्रुप है बट अगर मान लो किसी एसिड में दो एमिनो ग्रुप रहेगा या दो एसिड ग्रुप रहेगा तब क्या होगा इसके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है तो लिखना यहां पे दूसरे जो क्लासिफिकेशन है ये सी डब्लो एच टू ग्रुप के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में कितने एनसू ग्रुप है कितना सी डब्लो एच ग्रुप है उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है पहला क्या है ना एमिनो एसिड पहले कौन सा है ना न्यूट्रॉलो एसिड न्यूट्रॉ न्यूट्रॉमो एसिड न्यूट्रल एमिनो एसिड न्यूट्रल एसिड में क्या लिखना है जिसमें लिखना कि दमीनो एसिड कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ एन टू ग्रुप एंड सी डब्लो एच ग्रुप ठीक है ना कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इक्वल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एन टू ग्रुप इक्वल नंबर ऑफ एन टू ग्रुप एंड सी ओ एच ग्रुप सी ओ एच ग्रुप जैसे कि जैसे कि एनएच टू सी एच आर सी ओ एच तो इसमें क्या है एक सी डब्ल एच ग्रुप है एक एनएच टू ग्रुप अब देखो सी डबल किस नेचर का है ना एसिडिक नेचर का है और एनएच टू किस का है बेसिक नेचर का है क्यों बेसिक नेचर का है क्योंकि इसके पास क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये प्रोटोन को एब्रैक्ट कर सकता है ब्रौंण स्टेट, ब्रौंण स्टेट बेस और ये क्या है एसिड तो एक एसिड एक मॉलिक्यूल एसिड मतलब एक सी डबल काम करेगा एक एनएसटू बेस का काम करेगा तो ये क्या हो गया न्यूट्रल न्यूट्रल एमिनो एसिड तो किसी भी मॉलिक्यूल, किसी अमीनो एसिड के अंदर अगर इक्वल नंबर ऑफ और सी डब्ल्यू एच ग्रुप रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड न्यूट्रल अमीनो एसिड ठीक है जैसे ग्लाइसिन हो गया ठीक है ना अगर यहाँ पे हम लोग एच कर देंगे तो ये हमारा ग्लाइसिन हो गया ग्लाइसिन हो गया अगर हम लोग यहाँ पे सी एस थ्री कर देंगे ये क्या हो जाएगा एलानिन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एलानिन हो जाएगा एलानिन हो जाएगा दूसरा क्या है न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया दूसरा क्या है ना लिखो बेसिक अमीनो एसिड क्या है बेसिक अमीनो एसिड बेसिक बेसिक अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड ये क्या है ना अगर मॉलिक्यूल के अंदर अगर मॉलिक्यूल के अंदर NH2 टू ग्रुप का नंबर ज्यादा हो जाएगा एन एस टू एन टू ग्रुप का नंबर अगर ज्यादा हो जाएगा कंपेरेटिवली सी एच ग्रुप तो हम लोग उसको तो क्या बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड क्या बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड जैसे क्या है तो यहां पर लिखना मोर नंबर ऑफ एन एस टू ग्रुप मोर नंबर NH2 टू ग्रुप मोर नंबर ऑफ एन एस टू ग्रुप ग्रुप देन देन सी एच ग्रुप देन सी डब्लो एच ग्रुप उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेसिक बेसिगम एसिड जैसे क्या है जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हिस्टिडिन एग्जाम्पल क्या हिस्टीडिन लाइसिन एन एच टू सी एच सी डब्लो एच और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच टू तो देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे एन एच टू ग्रुप है यहाँ पे एन एच ग्रुप है ठीक है ना यहाँ पे सी डब्ल्यू एच ग्रुप है तो यहाँ पे क्या है बेसिक ग्रुप ज्यादा है पे पे क्या क्या है बेसिक बेसिक ग्रुप ग्रुप तुम्हारा हो 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 गया 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 ज्यादा ज्यादा तो इसीलिए क्या हो गया बेसिक नेचर बेसिक नेचर का काम करेगा ठीक है ना बेसिक पार्ट ज्यादा हो गया, गया। तो इसका क्या हो गया हिस्ट्री डिन ठीक है ना हिस्ट्री ऐसे ही क्या हो गया एन एच टू सी एच सी डब्लो एच ये हो गया वन टू थ्री फोर कार्बन है तो ये क्या हो गया लाइसिन हो गया क्या हो गया लाइसिन लाइसिन तो यहां पे भी देखो एन एस्ट ग्रुप का नंबर ज्यादा है सी डब्लूच के रेस्पेक्ट में तो ये भी क्या हो गया बेसिक अमीनो एसिड तो नंबर ऑफ एनस्ट ग्रुप अगर ज्यादा हो गया सी डब्लू एच ग्रुप के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड और इक्वल नंबर रहेगा न्यूट्रल अमीनो एसिड और अगर सी डब्लू एच ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड तो यह भी लिख लेना और एक पार्ट तीसरा जो है दैट इज दैट इज एसिडिक अमीनो एसिड दैट इज एसिडिक अमीनो एसिड तीसरा जो है हमारा इज एसिडिक एमिनो एसिड एसिडिक एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड एसिड एसिडिक में क्या देखेंगे हम लोग ना यहां पे लिखना नॉलिकुल के, के अंदर सी डबल एच ग्रुप का नंबर ज्यादा रहेगा किसका नंबर ज्यादा रहेगा ना सी डबल एच कैसे यहां पे एन एच टू ग्रुप का नंबर ज्यादा हुआ तो बेसिक हो गया तो सी डबल एच ग्रुप का ज्यादा हो गया तो एसिडिक तो हो जाएगा तो यहां पे मोर नंबर ऑफ सी डबल एच ग्रुप मोर नंबर ऑफ सी डब्लो एच ग्रुप मोर नंबर ऑफ सी डब्लो एच ग्रुप एन एच टू ग्रुप देन एन एच टू ग्रुप तो वो क्या हो जाएगा एसिडिक एमिनो एसिड एसिडिक एमिनो एसिड जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड ठीक है ना एन एच टू एन एच टू सी एच डबलो एच सी एच टू सी डब्लो एच ये क्या हो गया एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टिक एसिड इसमें देखो क्या है एक बेसिक ग्रुप है दो क्या है दो क्या है यहां पे दो सी डबल एच ग्रुप दो सी डबल तो ये क्या हो गया एसिडिक हो गया एसिडिक नेचर हो गया ऐसे क्या है ग्लूटामिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड इसमें भी क्या है दो सी डबल ग्रुप है तो यह भी क्या हो गया एसिडिक ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड ठीक है ना ग्लूटामिक अलग होता है ग्लूटारिक अलग होता है ग्लूटा रिक वो ओम्स गैप्स में बताया था ओम्स गैप्स में वो क्या है ग्लूटारिक एसिड और ये क्या है एसिड तो ये थोड़ा ध्यान में रखना ठीक है ना तो ये हो गया हम लोगों का अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन ठीक है ना एक तो सोर्स के बेसिस पे हुआ और एक नंबर ऑफ और एनिसब्ल्यूएच ग्रुप के प्रेजेंस में हुआ है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है वो लिखना कि एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एमिनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एमिनो एसिड यहां पे लिखना एम्फोटेरिक नेचर क्या लिखना है एम्फोटेरिक नेचर एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एमिनो एसिड देखो यहां पे जो एमिनो एसिड जो है एसिड क्या है NH2 टू सी एच आर सी एच ये क्या है एसिड है तो एसिड क्या करेगा एच प्लस एच प्लस क्या कर देगा रिलीज कर देगा और यहां पे क्या है बेस एन एच टू ग्रुप क्या है बेस ये क्या करेगा एच प्लस काट करेगा तो बेसिकली ये इस फॉर्म में रहेगा कौन सा फॉर्म में रहेगा अगर देखे जाए तो ये बेस क्या करेगा H3 को H को करके NH3 बन जाएगा। और बन आर और यहाँ पे सी पे माइनस इस फॉर्म में रहेगा इस फॉर्म में रहेगा ये ठीक है ना तो इसका मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज और चार्ज। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता इसको है, है इसको बोलते हैं जुइटार आयन क्या बोलते हैं इसको जुइटार आयन जुइटार आयन ठीक है ना? It's a जुई टार। जुई टार आयन, एक ही के अंदर जब दोनों चार्ज रहेंगे, तो उसका एरोमेटिक में पढ़ा था कि एक सल्फानिक एसिड होता है सल्फानिक एसिड SO3H थ्री एच एंड एन एच टू इसमें क्या होता है यह भी जुइटर आयन में एग्जिस्ट करता है यहां पे एसओ थ्री माइनस यहाँ पे एसओ थ्री माइनस और यहाँ पे एन थ्री प्लस ये जुइटर आयन हम एग्जिस्ट करता है ठीक है ना यहाँ पे जो एसिड है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और यहाँ पे जो बेस बेस यहाँ पे बेस क्या है वीक है बेस क्या है वीक है बट ये जुइटर आयन में एग्जिस्ट नहीं करता है ये ध्यान में रखना ये लेकिन जुइटर आयन में एग्जिस्ट नहीं करता है सी डबल एन एच टू क्योंकि वो उतना स्ट्रांग एसिड नहीं है और ये तो वीक बेस है इसीलिए यह लेकिन जुइटर एन में एग्जिस्ट नहीं करेगा ये ध्यान में रखना ये तुम्हारा जो कंपाउंड है ये जुइटर में एग्जिस्ट नहीं करेगा इस फॉर्म में यह एग्जिस्ट नहीं करेगा बट ये करे जाएगा ठीक है ना तो ये क्या है जो एमिनो एसिड है एमिनो एसिड बेसिकली जुइटर एन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मतलब पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ठीक है ना पोलार फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे लिख नोट डाउन करो इसको ठीक है ना अब एक चीज नोट डाउन यहां पे एक चीज लिख लो कि अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड एग्जिस्ट एमिनो एसिड एग्जिस्ट एजटर आयन विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर विथ लो के एंड केवी वैल्यूज लो के हम लोग ये फिजिकल में पढ़ा था आने इक्लिब्रियम में लो के एंड के बी वैल्यूज इस इसम में ये ऐसे इक्विलिब्रियम में रहता है तब इसका जो के और के वी वैल्यू होगा के मतलब जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे क्या एच प्लस छोड़ेगा एसिड की तरह बिहेव करेगा या तो एच प्लस के ऑप करेगा बेस की तरह कम करेगा ठीक है ना तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इसका जो के और के वैल्यू होगा बहुत ही कम होगा ठीक है ना नोट डाउन करो नेक्स्ट जो है जैसे कि जैसे कि अगर मान लो ये कैसे के और के वैल्यू में एग्जिस्ट करता है ये मैं थोड़ा बता देता हूं अगर मान लो एमिनो एसिड ज्विटरिक फॉर्म में है एमिनो एसिड क्या है जुइटर फॉर्म में है तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना इस फॉर्म में एन एच थ्री प्लस सी एच आर सी एच सी डबल ओ माइनस अगर तुमने इसके साथ मान लो वाटर के साथ, साथ रिएक्शन कर रहे हो एच टू ओ या मान लो यहाँ पे जो मीडियम है यहाँ पे मीडियम तुम्हारा क्या है मीडियम तुम्हारा बेसिक है मीडियम तुम्हारा बेसिक है चलो बेसिक मीडियम कर दो यहाँ पे बेसिक मीडियम तो ये क्या करेगा एसिड की तरह बिहेव करेगा ये क्या करेगा एसिड की तरह बिहेव करेगा एच प्लस छोड़ेगा तब ये किस फॉर्म में आ जाएगा एच टू एन सी एच आर सी डब्लू माइनस एना एनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में एक्सिस्ट करेगा एनाएनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो यहां पर इसका क्या होगा एक के बी वैल्यू रहेगा यहां पे. नहीं, acid यह पर सॉरी एसिड की तरफ यह कर रहा है तो यह के वैल्यू हो जाएगा इसका के वैल्यू के वैल्यू क्या हो जाएगा इसका कंसेंट्रेशन किसका कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट यहां पर एनएच टू सी एच आर सी डब्लो माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा एन एच थ्री प्लस सी एच आर सी एच आर सी डब्लो माइनस टो ओ एच माइनस ओ एच माइनस ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा ये के वैल्यू हो जाएगा अगर ये एसिड की तरह भी अगर ये बेस की तरह भी अब करता है मान लो इसमें मीडियम एसिडिक कर दिया कि एन एच थ्री प्लस यहाँ पे सी एच आर सी माइनस सी माइनस अब यहाँ पे मान लो हमने एसिडिक मीडियम कर दिया एसिडिक मीडियम कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एसिड मीडियम कर दिया तो ये क्या यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा प्रोटोन का ऑप्शेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन एच थ्री प्लस सी एच आर यहां पे क्या हो जाएगा सी डबल एच टू तब तब ये कौन सा फॉर्म में रहेगा कैटानिक फॉर्म में रहेगा बेसिक मीडिया में किस फॉर्म में रहेगा एनायनिक फॉर्म में में एसिडिक मीडिया किस फॉर्म में रहेगा फॉर्म में तब यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेस की तरह तो इसका के बी वैल्यू क्या हो जाएगा के बी वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ एन एच थ्री प्लस सी एच आर सी डबलो एच ठीक है ना कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ फिर कंसेंट्रेशन अब क्या हो जाएगा एन एच थ्री प्लस सी एच आर सी डब्लो माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ प्लस ये हो जाएगा तो ये हो गया के वी वैल्यू हम लोग यहां से निकल सकते हैं बट ये वैल्यू काफी क्या होगा कम होगा काफी क्या होगा कम होगा अब हम लोग जानते हैं के के ए इंटू के बी के ए इंटू के बी इजिकल टू क्या होता है के इजिकल टू के बी इजिकल टू टेन टू दी पावर माइनस फोर्टीन ठीक है ना दैट इज इकल टू के डब्ल्यू तो अगर इसका के वैल्यू दे रखा है तो हम लोग के वैल्यू निकाल सकते हैं अगर के वैल्यू दे रखा है तो के ए वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है ना ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं तो एक क्वेश्चन लिखो यहां पे कि इफ एसिडिटी कांस्टेंट इफ एसिडिटी कांस्टेंट ड्यू टू एन एच थ्री प्लस

एसिडिटी कांस्टेंट अगर तुमको दे दिया है कि 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू माइनस टेन इसका जो बेसिसिटी कांस्टेंट होगा ठीक है ना तो केवी वैल्यू क्या होगा केवी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा ना 10 टू दी पावर माइनस फोर्टीन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस टेन ये वैल्यू जो आएगा वही आएगा तुम्हारा ये आएगा अप्रोक्सीमेटली सिक्स पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव ठीक है ना वैल्यू आ जाएंगे किसके वजह से आएगा ये ना इसका जो कंजुकेट बेस है इसका जो बेस जैसे यहां पे के, के, के वैल्यू दे रखा है तो इसका केवी वैल्यू सिर्फ इसको तुमने डिवाइड कर देना है के वैल्यू से अगर केवी वैल्यू दे रखा है तो के वैल्यू निकल जाएगा केवी वैल्यू को डिवाइड कर देना है ट्वेंटी तो दे माइनस फोर्टीन को ठीक है ना तो ये हमारा क्या है के अगर के वैल्यू दे रखा है तो यहां से हम लोग इसका एसिडिटी कॉन्सेंट या बेसिडिटी कॉन्सेंट हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम लोग क्या देख रहे थे यहां पे के वैल्यू बताया था तुमको कि के वैल्यू ड्यू टू एन ग्रुप के वैल्यू ड्यू टू एन ग्रुप जो है उसका वैल्यू क्या दे रखा था ना 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू

नेक्स्ट जो है हम लोग यहां पे करेंगे कि एविडेंस ये जो एमिनो एसिड डाइपोलर आयन फॉर्म में रहता है इसका एविडेंस क्या है तो यहां पे लिखना एविडेंस फॉर डाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड एविडेंस फॉर डाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड क्या लिखना है इसमें इसमें लिखना है कि एविडेंस 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 फॉर डाइपोलर स्ट्रक्चर डाइपोलर स्ट्रक्चर एविडेंस क्या है एमिनो एसिड जो डाइपोलर फॉर्म में रहता है उसका क्या है उसका एविडेंस क्या है देखो अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में रहता है एमीनो एसिड का न्यूट्रल फॉर्म कौन सा है ना एमिनो एसिड का जो न्यूट्रल फॉर्म है दैट इज दिस वन दिस वन इज द न्यूट्रल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड और इसका डाइपोलर स्ट्रक्चर कौन सा है मतलब ज्यूइटराइनिक फॉर्म कौन सा है इसका जो ज्यूइटराइनिक फॉर्म होगा ये होगा इसका ज्यूइटराइनिक फॉर्म ज्यूइटराइनिक फॉर्म तो, तो बेसिकली ये ज्यूइटानी को में रहता है इसका एविडेंस क्या है ना अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में रहता है तो ये न्यूट्रल फॉर्म में कौन सा, सा है नॉन पोलर स्ट्रक्चर तो ये वाटर में इनसॉल्यूबल होना चाहिए बट देखा गया है कि एमिनो एसिड जो है ये वाटर में सोल्यूबल होता है इसका मतलब ये अगर फॉर्म में रहेगा तब तो इसका डाई मतलब इसका पोलरिटी क्या हो गया ज्यादा हो गया तो ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा क्योंकि पोलर कंपाउंड बन चुका है तो ये एक एविडेंस है कि एमिनो एसिड जो है वाटर में सोल्यूबुल है तो पहला पॉइंट लिखना कि एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड्स आर सोल्यूबुल इन वाटर, एमिनो एसिड्स आर सोल्यूबुल इन वाटर एंड इनसॉलिबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसोलिबुल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना ये अगर वाटर में सोल्यूबुल तभी होगा जब ये डाइपोलान स्ट्रक्चर में रहेगा क्योंकि हम लोग केमिकल वर्डिंग में पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड मतलब जो कैटन एनायन फॉर्म में रहता है वही वाटर में सोल्यूबल होता है पहला पॉइंट क्या है सॉल्युबल सॉल्युबल इन वाटर एंड इन एंड इन सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है ना इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या है काफी ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट उसी कंपाउंड का ज्यादा होता है जो आयनिक फॉर्म में रहता है ठीक है ना तो ये देखो अगर ये आयनिक फॉर्म में रहेगा तभी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर तीसरा क्या है तीसरा क्या है ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज ये हम लोग हायर स्टडी में पढ़ेंगे कि आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है अल्ट्रा वायल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता, होता है तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी में देखा गया है कि एमिनो एसिड में ना तो फ्री एन एच टू ग्रुप का ना तो फ्री एन एच टू ग्रुप है ना तो फ्री सी डबल एच ग्रुप है बल्कि यह देखा गया है कि उसमें एनएच थ्री प्लस और सी डब्लो माइनस का बल्कि एविडेंस मिल चुका है तो यह भी लिखना लास्ट में कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी spectroscopic study spectroscopic studies in spectroscopic studies there is no evidence there is no evidence in present in presence of there is no evidence for the presence no evidence for the presence of For the presence of free free NH2 group and एंड सी डबल एच group एंड सी डब्लो एच ग्रुप तो ये क्या है एविडेंस है कि एमिनो एसिड बेसिकली जुइटर आइनिक फॉर्म में रहता है ठीक है ना अब नेक्स्ट जो है <coughs> इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एमिनो एसिड इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एमिनो एसिड इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एमिनो एसिड एमिनो एसिड के ऊपर पीएच का क्या इफेक्ट है एमिनो तो एसिड अगर ज्विटर फॉर्म में रहता है तो हम लोग इसका इसका जुटर फॉर्म लिख रहे हैं एमिनो एसिड हम लोग यहाँ पे अल्फा एमिनो एसिड का ही बात करेंगे तो ये इसका जुइटाराइनिक फॉर्म है ये इसका क्या है जुइटाराइनिक फॉर्म है अगर मान लो मैंने यहां पर क्या दे दिया एसिड दे दिया एच प्लस तो अगर एसिडिक मीडियम दे दिया मतलब पीएच क्या कर दिया बहुत ही कम कर दिया तो पीएच कम करने से क्या होगा ये जो सी डबल माइनस है ये क्या करेगा एच प्लस काट कर लेगा जैसे ही H का कर लेगा तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा ना ये चला जाएगा कैटायनिक फॉर्म में क्योंकि पीएच लो पी एच में ये क्या हो जाएगा सी डबल माइनस प्रोटोनेट हो जाएगा और ये क्या बना लेगा क्या बना लेगा सी डबलो एच सी डबल बना लेगा और अगर बेसिक मीडियम दे दिया मैंने अगर मैंने बेसिक मीडियम दे दिया ओ एच माइनस तब ये क्या होगा ओ एच माइनस क्या करेगा यहां से अपस्टेट करेगा डी कर देगा तब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा तब इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा H2NCHRC00 तब ये कौन सा फॉर्म में रहेगा फॉर्म में तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि एसिडिक मीडिया में मतलब लो पीएच में कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना कैटायनिक फॉर्म कैटायनिक फॉर्म एग्जिस्ट इन एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम मतलब लोअर पी एच और ये किसमें एग्जिस्ट करेगा ये क्या है एनायनिक फॉर्म है ये ये एनायनिक फॉर्म ये एनायनिक फॉर्म ये किसमें एग्जिस्ट करेगा बेसिकली एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करेगा ठीक है ना और ये क्या है डाईपोलर स्ट्रक्चर ये क्या होगा डाइपोलर आयन डाईपोलर आयन ठीक है ना तो ये क्या है बेसिकली अमीनो एसिड का पीएच का इफेक्ट है लोअर पी एच में कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा लोअर पी एच में कैटानिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और हायर पी एच मतलब बेसिक मीडियम में कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एना एनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अब जो है

और कैटान किस तरफ जाएगा ना कैथोड की तरफ कैटायन किस तरफ जाएगा कैथोड की तरफ तो लो पीएच में अगर एसिड की एमसिस करोगे तो ये किस तरफ जाएगा ना कैथोड की तरफ और हाई पीएच में अगर इसके करोगे? हाई मतलब बेसिक मीडियम में में तो बेसिक मीडियम कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना एनायनिक फॉर्म में तब ये किस तरफ जाएगा तब ये जाएगा एनोड की तरफ क्योंकि एनायन किस तरफ जाता है एनोड की तरफ जाता है तो ये है पीएच का इफेक्ट है कि पीएच में ये लोअर पीएच में कैथोड की तरफ जाएगा और हायर पीएच में एनोड की तरफ जाएगा बट अगर पीएच ऐसा रखा जाए बट अगर पीएच ऐसा रखा जाए कि ना तो यह फॉर्म में रहेगा ना तो यह रहेगा बल्कि स्ट्रक्चर में रहेगा कौन सा डाइपोलर में रहेगा बात समझ में आ रहा है पीएच ऐसा रखेंगे कि यह इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा डाइपोलर में एग्जिस्ट करेगा तब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कि तब ये किस तरह मूव करेगा ना तो कैथोड की तरफ जाएगा ना तो एनोड की तरफ जाएगा बल्कि कहां पर रहेगा सोल्यूशन में तो इस पर्टिकुलर पीएच को हम लोग क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इस पर्टिकुलर पीएच को क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तो लिखना यहां पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तो यहां पे लिखना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी आई से किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी आई से तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना ये जो इक्विलिब्रियम है ये डाइपोलर आयन कैटायनिक फॉर्म एनैनिक फॉर्म ये बेसिकली जो इक्विलिब्रियम है ये डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के पीएच के ऊपर अगर पीएच बहुत ही कम है तो इस इस तरफ मूव कर जाएगा इक्विलिब्रियम अगर पीएच ज़्यादा है तो एनैनिक फॉर्म में मूव कर जाएगा और पीएच ऐसा है कि ये ना तो कैटायनिक फॉर्म में एनैनिक फॉर्म में बल्कि डाइपोलर आयन में है तो अभी इसी फॉर्म में रह जाएगा उसी पर्टिकुलर पीएच को हम लोग क्या बोलेंगे ना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आइसो आइसो मतलब क्या है सेम और इलेक्ट्रिक मतलब क्या है चार्ज ये जो आइसो है ना आइसो मतलब क्या है सेम सेम और इलेक्ट्रिक मतलब क्या है चार्ज चार्ज यहां पे सेम चार्ज मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब जहां पे नेट चार्ज क्या होता है जीरो होता है नेट चार्ज क्या होता है नेट चार्ज होता है जीरो तो जिस पर्टिकुलर आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा पॉइंट मतलब कुछ नहीं है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन का पीएच को एक पर्टिकुलर पीएच में जहां पे अमीनो एसिड का नेट चार्ज क्या होगा जीरो होगा नेट चार्ज क्या होगा जीरो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तो यहां पर लिखना व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट there is no net charge on the amino acid at isoelectric point there is no net charge on the amino acid and it does not migrate and it does not migrate towards, towards any electrode towards any electrode when placed in an electric field when placed in an electric field ये किसी की तरह मूव नहीं करेगा किसी की तरह मूव नहीं करेगा जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया जाएगा किसी की तरह मूव नहीं करेगा दिस पर्टिकुलर पीएच में क्या होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे उस पर्टिकुलर पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ठीक है ना या तो फिर तो अगर पूछ सकता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का और भी डेफिनेशन होता है कि एक पर्टिकुलर पीएच जिस जिसमें इस डाइपोलर आयन का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है और कैटायनिक फॉर्म और एनायनिक फॉर्म का कंसेंट्रेशन क्या है सबसे सबसे कम हो और दोनों का इक्वल होगा बात समझ में क्या बोल रहा हूं चलो ये भी लिख लो ये भी लिख लो इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू एट द सम इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू द कंसेंट्रेशन ऑफ डाइपोलर आयन द कंसेंट्रेशन ऑफ डाइपोलर आयन इज मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ डाइपोलर आयन इज मैक्सिमम and the concentration of cation and anion and the concentration of cation and anion are minimum and equal to each other and equal to each other. This particular pH is known as isoelectric point. This particular pH is known as isoelectric point, isoelectric point. तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में क्या होता है किसी के तरह मूवमेंट नहीं किसी के तरह मूवमेंट नहीं करता है अमीनो एसिड इससे हम लोग क्या करता है ये अगर कहीं पे अमीनो एसिड का मिक्सचर रहता है अमीनो एसिड का मिक्सचर रहता है उसको हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं कैसे देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस ये तुम लोग सॉल्यूशन कॉलोइड में पड़ा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है एक मेथड है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से ठीक है ना जैसे एक मैं क्वेश्चन की तरह बताता हूं इसको लिखो पहले क्वेश्चन लिखो कि हाउ कैन यू सेपरेट हाउ कैन यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ एलानिन हाउ कैन यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ एलानिन मिक्सचर ऑफ एलानिन एलानिन जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है कितना ना 6.02। पॉइंट जीरो टू सिक्स पॉइंट जीरो टू एस्पार्टिक एसिड एसपार्टिक एसिड एस्पार्टिक एसिड जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है कितना ना 2.87 पॉइंट एट सेवन टू पॉइंट एट सेवन एंड एंड क्या दे रखा है लाइसिन एंड क्या दे रखा है लाइसिन जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है नाइन पॉइंट सेवन फोर तीनो एमिनो एसिड है तीनो एमिनो एसिड है अब सभी का क्या है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सभी अमीनो एसिड का क्या होगा डिफरेंट दिफरें, डिफरेंट होगा क्यों आर ग्रुप के वजह से यहां पे जो आर ग्रुप है ना इस आर ग्रुप के वजह से सभी अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा डिफरेंट होगा क्योंकि आर ग्रुप यहां पे इस जो पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप है इसका पोलरिटी के वजह से सभी का क्या होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी क्या होगा चेंज होगा तो यहां पे तीनों एसिड दे रखा है एलानिन एस्पार्टिक एसिड एंड लाइसिन और तीनों का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है अब ये मिक्सचर में है हमको क्या करना होगा सेपरेट करना होगा कैसे देखो तो हम लोग क्या सेपरेट करेंगे कि एक पर्टिकुलर पीएच रखेंगे एक पर्टिकुलर पीएच में क्या करेंगे तीनों एम्यून एसिड को क्या करेंगे हम लोग एक साथ उसमें डाल देंगे अब क्या होगा उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे मतलब उसी में क्या करेंगे एक साइड में कैथोड और एक साइड में एनोड लगा रहेगा तब तो वो सेपरेट हो जाएगा कैसे ना अगर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे मान लो हमारा क्या है तीनों तीनों एम्यूनो एसिड का क्या है मिक्सचर ले रखा है मैंने तीनों एम्यूनो एसिड का मिक्सचर ले रखा है पे ठीक है ना तीनों एम्यूनो एसिड का मिक्सचर ले रखा है पे ठीक है ना और एक मैं यहां पर कर रहा हूं मान लो यहाँ पे ये यह वाला कर रहा हूँ और एक कर रहा हूँ मैं और एक कर रहा हूँ मैं नहीं दिख रहा है चलो और ये हमने लिख रखा है तीनों एमिनो एसिड लिख रखा है इसमें क्या चार्ज दे दिया मैंने मान लो मैं इसमें माइनस दे दिया

जिस सॉल्यूशन का पीएच सिक्स है वो किसके बराबर हो गया ऑलमोस्ट सिक्स पॉइंट जी, जीरो टू के बराबर तो इस पीएच में एलानिन हमारा क्या रहेगा इस कौन सा फॉर्म में रहेगा डाइपोलर फॉर्म में रहेगा क्यों क्योंकि इसका आइसोलैक्ट्रिक पॉइंट तो सिक्स है मतलब ऑलमोस्ट सिक्स बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इस पीएच में एलानिन किस फॉर्म में रहेगा डाइपोलर फॉर्म में रहेगा तो यहां पे एलानिन जो है एलानिन सॉल्यूशन में रहेगा क्योंकि वो ना तो कैथोड की तरफ जाएगा ना तो एनोड की तरफ जाएगा क्योंकि इस पीएच में ये डाइपोलर एन में रहेगा तो एलानिन रहेगा हमारा, रहेगा? रहेगा हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में अब देखो अब एस्पार्टिक भी आ जाते हैं एस्पार्टिकोलैक्ट्रिक पॉइंट कितना है टू पॉइंट एट सेवन टू पॉइंट एट सेवन तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो पीएच है

लाइसिन के के पॉइंट में जो सॉल्यूशन का पीएच है वो क्या है एसिडिक मीडिया में लाइसिन तो किस मूव करेगा, करेगा? करेगा? करेगा तुम्हारा कैथोड की तरफ लाइसिन किस तरह मूव करेगा कैथोड की तरफ लाइसिन किस तरह मूव करेगा कैथोड की तरफ कैथोड की तरफ तो देखो हमारा तीनों सेपरेट हो गया एक सोल्यूशन में रह गया एक एनोड में एक कैथोड में तीनों सेपरेट हो गया तो यहां पे हम लोग अगर देखेंगे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे कैसे सेपरेट होता है तो ये जो है ये जो है ये हमारा कहां पे रह जाएगा ये हमारा सॉल्यूशन में रह जाएगा कहां पे रह जाएगा ये सॉल्यूशन में रह जाएगा ठीक है ना और जो पॉजिटिव वाला है अगर हम लोग यहाँ पे ये नेगेटिव कर देते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड है मतलब तो ये नेगेटिव चार्ज है और इधर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव तो वाला आ जाएगा मतलब रेड वाला आ जाएगा हनहानिक वाला आ जाएगा ठीक है वाला आ जाएगा ये वाला आ जाएगा ये वाला आ जाएगा नेगेटिव वाला आ जाएगा और नेगेटिव की तरफ कौन आ जाएगा ये पॉजिटिव वाला ठीक है ना छोटा हो गया ये वाला तो जो एनोड की तरफ मतलब एनोड की सॉरी ये क्या है कैथोड नेगेटिव चार्ज क्या है कैथोड कैथोड की तरफ कौन आएगा लाइसिन तो ये हमारा क्या हो गया लाइसिन लाइसिन हो गया ये तो सॉल्यूशन में रहेगा ये क्या हो गया एलानिन ये क्या हो गया एलानिन एलानिन और ये जो पॉजिटिव मतलब जो एनोड की तरफ आएगा ये कौन हो गया एस्पार्टिक एसिड कौन हो गया एस्पार्टिक एसिड तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं अम्यून मिक्सचर और अमीनो एसिड को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है लिख लो थोड़ा सा व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस electrophoresis it is a process it is a process of separation it is a process of separation and purification of compound it is a process of separation and purification of compounds on the basis of movement on the basis of movement of charged particles on the basis of movement of charged particles इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस तो ये ध्यान में रखना है कि एमिनो एसिड जिसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सॉल्यूशन के पीएच से अगर कम होगा सोल्यूशन के पीएच से अगर कम होगा तो वह कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा कैटानिक फॉर्म और अमीनो एसिड का जिसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन का पीएच सॉल्यूशन का पीएच अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से क्या होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से कम होगा जैसे ये मान लो लाइसिन है लाइसिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है नाइन पॉइंट सेवन फोर इससे अगर पीएच क्या है कम है पीएच कम है तो ये कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा ना कैटेनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्यों क्योंकि और अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंटिकलेक्ट्रिक एस्पार्टिक एसिड का टू पॉइंट है 2.87 इसके रेस्पेक्ट में अगर सॉल्यूशन का पीएच क्या हो गया ज्यादा है सॉल्यूशन का पीएच ज्यादा इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया बेसिक हो गया तब वो कौन सा करेगा करेगा और दोनों बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा कर सकते हैं नेक्स्ट जो है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या है कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कि इसका जो फॉर्मूला है इसका जो फॉर्मूला है एम्यूनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कि पी आई इज इक्वल टू पी के ए वन प्लस पी के ए टू डिवाइडेड बाई टू ये क्या है पी के वन पीके टू अगर एमिनो एसिड मान लो तुम्हारा इस फॉर्म में रहता है कि एन एच टू एन एच टू सी एच आर सी एच आर सी डबल ये तो जुटर फॉर्म में रहता है जुटर एनिक फॉर्म में तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे NH3+ एस यहाँ पे सी डबल माइनस करेंगे ठीक है ना ये जुटर एनिक फॉर्म इसका भी आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट निकल सकते हैं और किसका आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट निकल सकते हैं ये अगर इसका न्यूट्रल फॉर्म में भी रहता है तब भी हम लोग कर सकते हैं जैसे कि एन एच टू पहले तो बात करते हैं कि किसका किसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल सकते देखो ये न्यूट्रल फॉर्म में है ये सॉरी ये जूटानिक फॉर्म में है नेट चार्ज क्या है जीरो इसके ये न्यूट्रल फॉर्म में इसका भी नेट चार्ज जीरो है तो इस इस टाइप कंपाउंड का हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं बट अगर कैटानिक फॉर्म में आ गया इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं क्यों क्योंकि इसमें नेट चार्ज क्या है जीरो नहीं है इसमें नेट चार्ज क्या है जीरो नहीं है तो इसका हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं निकाल सकते यहां पर भी एनायनिक फॉर्म में है तब भी इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं निकल सकते क्यों? क्योंकि इसका नेट चार्ज क्या है जीरो नहीं है तो जिसका नेट चार्ज क्या होगा जीरो होगा उसी का हम लोग आईसी पर निकाल सकते हैं। है? दोनों वैल्यू दिया रहेगा क्यों देखो यहां इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है ना कि जब ये प्लस छोड़ेगा तो ये पीके एन वैल्यू आ जाएगा सी डबल माइनस में और जब ये इधर से NH3 थ्री प्लस एच प्लस छोड़ेगा तो यहाँ पे भी एक स्टेब्लिश होगा तब इसका वैल्यू है पीके टू तब आइसोले किसी अमीनो एसिड का आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है ना दोनों पीके वैल्यू का क्या होता है एवरेज करना पड़ता है वही क्या होता है उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ठीक है ना ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला क्या है काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है ये होता है पी आई इज इकल टू पी के वन प्लस पीके टू डिवाइडेड बाई टू ठीक है ना एवरेज होता है तो यहां पे लिखना एक चीज कि ऑफ एन एमिनो एसिड पी आई ऑफ एन एमिनो एसिड दैट डज नॉट हैव दैट डज़ नॉट है साइड चेन आयोनाइजेबल साइड चेन ई ऑफ एन एमिनो एसिड दैट डज नॉट हैव एन आयोनाइजेबल साइड चेन इज मिड वे बिटवीन इट्स टू पीके वैल्यूज इट्स मिड वे इट्स मिड वे बिटवीन टू पीके वैल्यूज मतलब जिसका साइड चेन नहीं रहता है साइड चेन मतलब कोई और दूसरा एन टू ग्रुप या दूसरा सी सी डब्लू ग्रुप प्रेजेंट नहीं है उसका पीके वैल्यू क्या होगा सॉरी उसका करेंगे इसके और जो अमीनो भी है, मतलब जिसमें क्या रहता है जिसमें एक्स्ट्रा मतलब एनएसटू ग्रुप रहता है एक्स्ट्रा सी डब्लू एच ग्रुप रहता है उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं आइसोलैक्ट्रिक पर निकल सकते हैं वो कैसे निकल करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे कि किसी अमीनो एसिड में अगर एक एन टू और एक सी एच ग्रुप रहता है तो उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकलते हैं ना दोनों पीके वैल्यू का क्या करते हैं एवरेज करते हैं जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे एक, एक अमीनो एसिड दे रखा है एन एच टू सी एच सी एच और यहाँ पे दे रखा है सी एच थ्री सी थ्री अब इसका जो पीके वैल्यू दे रखा है इसका पीके वैल्यू दे रखा है 2.34 पॉइंट थ्री फोर टू वैल्यू दे रखा है इसका दे रखा है 9.69, 9.69 और पूछा जा रहा है कि इस अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बताना है तो कैसे करेंगे देखो ये जो ये क्या है न्यूट्रल फॉर्म में है तो इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल सकते हैं या तो अगर फिर ये ज्यूटर फॉर्म में रहेगा तो कौन सा फॉर्म में रहेगा ज्विटरिक रहे फॉर्म में ना यहां पे रहेगा एनएस थ्री सी एच सी एस थ्री ठीक है ना तो इसका जो आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा देखो यह तो जुटानिक फॉर्म में है इसका भी टोटल चार्ज क्या है जीरो है टोटल नेट चार्ज और इसका भी नेट चार्ज क्या है जीरो है तो इन दोनों मॉलिक्यूल का हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल सकते हैं तो यहां पे जो पी आई होगा पी आई होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा टू पॉइंट थ्री फोर प्लस नाइन पॉइंट सिक्स नाइन डिवाइडेड बाई टू ठीक है ना इन दोनों का एवरेज होगा इसका जो एवरेज वैल्यू है इस 12.03, इस इस तो इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है सिक्स पॉइंट जीरो टू होगा मतलब तो इस पीएच में क्या होगा पीएच सिक्स में ये ना तो कैटन ना तो कैथोड की तरह मूव करेगा ना तो एनोड की तरह मूव करेगा ठीक है ना यह सोल्यूशन में रहेगा ये है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ठीक है ना तो एक एनस टू और एक सी एच ग्रुप रहेगा तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर मान लो किसी अमीनो एसिड में या तो सी एच से ज्यादा एनएसटू ग्रुप है या तो एनएस टू ग्रुप से ज्यादा सी डबलएच ग्रुप है मतलब बेसिक एमिनो एसिड या तो एसिडिक एमिनो एसिड दे रखा है तो उस केस में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालेंगे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो तुम्हारा इस टाइप का कंपाउंड है इस टाइप का के मान लो यहाँ पे एक एनएस टू दे रखा है साथ में यहाँ पे एक एन एच टू दे रखा है और यहां पे एक सी डबलएच दे रखा है ऐसे मतलब यहाँ पे क्या है दो बेसिक ग्रुप है मतलब एसिड ग्रुप से ज्यादा क्या है बेसिक ग्रुप है या तो फिर ऐसे भी दे सकते हैं कि एसिड ग्रुप ज्यादा है एसिड ग्रुप ज्यादा है कि यहां पे मान लो एन टू और यहां पे मान लो सी डबल एच यहाँ पे दो सी डबलएच ग्रुप है एक यानी टू ग्रुप है तो एसिडिक ग्रुप यहां पे ज्यादा है तो इस केस में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना कैसा है कि इसका भी पीके वैल्यू दिया रहेगा इसका भी पीके वैल्यू दिया रहेगा इसका ही पीके वैल्यू दिया रहेगा बट हमको तो करना है दोनों पीके वैल्यू का एवरेज तो किसी एक पीके वैल्यू को एक्सक्लूड करना है बात समझ में क्या बोल रहा हूं हम तो केवल और केवल दो ही पीके वैल्यू का ले सकते हैं ना एवरेज करने के लिए बट यहां पे है तीन value, यहां पे भी रहेगा तीन पीके वैल्यू तो किस को एक्सक्लूड करेंगे और किन दोनों का मतलब कौन सा दोनों पीके वैल्यू का हम लोग इंक्लूड करेंगे तो वह देखना है इसके लिए लिखो एक चीज इसके लिए लिखो एक चीज कि इफ अमीनो एसिड्स इफ एमिनो एसिड हैव एन आयोनाइजल साइड चेन इफ एमिनो एसिड्स हैव एन आयोनाइजल साइड चेन ब्रैकेट के अंदर लिखना बेसिक एमिनो एसिड और एसिडिक एमिनो एसिड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है कि बेसिक एमिनो एसिड मतलब अगर दोनों एनेस्ट ग्रुप ज्यादा है सी डब्लूएच ग्रुप से दैट इज बेसिक अमिनो एसिड बेसिक एमिनो एसिड और एसिडिक एमिनो एसिड अगर सी डब्लू एच ग्रुप ज्यादा होगा तो एसिडिक एमिनो एसिड होगा तो ब्रैकेट के अंदर ये लिखना कि बेसिक एमिनो एसिड और एसिडिक एमिनो एसिड्स ब्रैकेट क्लोज इट्स पी आई इन पी आई द एवरेज ऑफ द पीके वैल्यूज इट्स पी आई द एवरेज ऑफ द पीके वैल्यूज ऑफ द सिमिलरली आयोनाइजिंग ग्रुप ऑफ द सिमिलरली आयोनाइजिंग ग्रुप ठीक है ना क्या बोल रहा है अगर तुम्हारा बेसिक अमीनो एसिड है या एसिडिक अमीनो एसिड है तो उसका पी आई वैल्यू में मतलब आइसो पॉइंट निकालने के लिए कौन दोनों पीके वैल्यू को कंसिडर करेंगे सिमिलरली आयनाइजिंग ग्रुप मतलब अगर वो बेसिक एनआईटूक मतलब बेसिक अमीनो एसिड है तो इन दोनों एनआई स्टू का पीके वैल्यू का एवरेज करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए अगर एसिडिक अमीनो एसिड है मतलब दोनों सी डबल ग्रुप है और एक एन एच टू है तो दोनों सी डब्लो एच का पी के का क्या करेंगे एवरेज करेंगे यह देखना है ठीक है ना तो देखते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल करते हैं तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल करते हैं जैसे कि यहां पे दे रखा है लाइसिन क्या दे रखा है लाइसिन लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है NH2, टू यहां पर क्या है NH2 टू सी डबल एच ठीक है ना तो यह है इसका पीके वैल्यू दे रखा है इसका जो पीके वैल्यू दे रखा है दैट इज इक्वल टू टू पॉइंट वन और इसका इसका पी वैल्यू दे रखा है एट पॉइंट नाइन फाइव और इसका पीके वैल्यू दे रखा है इसका पीके वैल्यू दे रखा है तुमको टेन पॉइंट सेवन नाइन

तो अब क्या है मैंने बोला कि इस टाइप अमीनो एसिड अगर आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट निकलना है तो तुमको क्या करना होगा तुमको जो सिमिलरली आयनाइजिंग ग्रुप यहां पे सिमिलरली आयनाइजिंग ग्रुप कौन है ना एनएसू एनएस इन दोनों पीके वैल्यू का एवरेज करना है अगर बताओ ये अगर ज्विटर फॉर्म में जाएगा तो कौन सा फॉर्म में जाएगा कौन सा फॉर्म में जाएगा यहां पर सबसे एसिडिक कौन है सबसे एसिडिक कौन है ना जिसका पीके वैल्यू सबसे कम है तो यह सबसे एसिडिक है क्योंकि देखो इसका पीके वैल्यू सबसे कम है टू पॉइंट वन एट तो ये हमेशा सी डबल ओ माइनस में रहना चाहेगा ये एच प्लस को रिलीज कर देगा और ये सी डबल ओ माइनस में रहना चाहेगा अब बात है सबसे बेसिक कौन है सबसे बेसिक कौन है ना देखो जिसका पीके वैल्यू सबसे ज्यादा है ये हम लोग ऑर्गेनिक <coughs> में जीओसी में पढ़ते हैं या तुम लोग फिजिकल में पढ़ते होंगे इक्विलिब्रियम में कि जिसका पीके वैल्यू सबसे ज्यादा है वो मोस्ट बेसिक होता है लेस एसिडिक होता है तो इसका पीके वैल्यू क्या है यहाँ पे 10.79 तो ये सबसे क्या है बेसिक है तो ये हमेशा कैटायनिक फॉर्म में रहना चाहेगा तो इसका अगर ज्विटाराइनिक फॉर्म अगर लिखे तो ये ज्विटाराइनिक फॉर्म कौन सा होगा इसका ना यहाँ पे हो जाएगा NH3 plus NH3 plus ये होगा इसका ज्विटाराइनिक सबसे बेसिक तो यह कैटेनिक फॉर्म में प्रोटो, प्रोटोन को आसानी से कर लेगा इसका पी क्या होगा? होगा। मैंने बोला, है? पे दोनों एनएस पीके वैल्यू का एवरेज कर देंगे कौन सा एट पॉइंट नाइन फाइव एट पॉइंट नाइन फाइव और टेन पॉइंट सेवन नाइन टेन पॉइंट सेवन नाइन इन दोनों का एवरेज कर दिया अब <स्याग> इसका जो पी आई वैल्यू हो जाएगा दैट इज 9.87। ये इसका मतलब ये पीएच वैल्यू होगा इस पीएच वैल्यू में ये क्या होगा ना तो कैथोड की तरह मूव करेगा ना तो एनोड की तरह मूव करेगा ज्यूटे फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ठीक है ना इस पीएच ये है इसका आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट अब मेरा जो क्वेश्चन है कि इन दोनों पीके वैल्यू कोई क्यों लिया जाता है सी डबलो एच का पीके को हम लोग एक्सक्लूड क्यों कर दिया बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं कि सी डबलो एच का जो पीके वैल्यू है इसका क्यों नहीं लिया पी आई निकालने में बात समझ में आ रहा है इसको हम लोग एक्सक्लूड कर दिए हम लोग जो एवरेज वैल्यू निकाला है वो इन दोनों का एवरेज वैल्यू निकाला है बात समझ में आ रहा है ना तो क्यों क्यों लिया गया है देखो इसके लिए थोड़ा सा एकदम तो हल्का सा निमान लगाओ यहां पर अगर हमारा ये जोटारेनिक फॉर्म है लाइसिन का अगर मैं एसिडिक मीडियम दे दिया एच प्लस दे दिया तो एच प्लस दे दिया हमारा क्या होगा एच प्लस दे दिया तो कौन प्रोटोनेट होगा यहाँ पे सी डब्लो माइनस और एनएच टू में कौन ज्यादा बेसिक है ना एन एच टू ज्यादा बेसिक है एनएच टू क्या है ज्यादा बेसिक है तो हमारा प्रोटोनेट कौन हो जाएगा एनएच टू प्लस हो जाएगा अगर हम लोग एसिड मीडियम दिया तो कौन प्रोटोनेट होगा एनएच टू क्योंकि एनएच टू इज मोर बेसिक देन सी डब्लो माइनस ये प्रोटोनेट होगा अगर हम लोग बेसिक मीडियम दे दिया बेसिक मीडियम दे दिया तो क्या होगा एनएच थ्री प्लस और सी डबल माइनस में कौन ज्यादा एसिडिक है ना ये एसिडिक है तो यहां से क्या होगा एच प्लस छोड़ के ये क्या होगा न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा तो देखो अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में जाए या बेसिक मीडियम में जाए तो इन्वॉल्व कौन सा दोनों ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है ना एक तो एनएच टू ये वाला एनएसू ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट हो जाएगा और अगर बेसिक मीडियम कर दिया तो एन थ्री प्लस क्या हो रहा है डी हो रहा है बट ये सी डबल माइनस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा इन दोनों के बीच में ही रहेगा इसीलिए इन दोनों पीके वैल्यू हम लोग क्या कर दिया एवरेज कर दिया बात समझ में आया काफी इंपॉर्टेंट है कि कि इन दोनों को क्यों लिया अगर कि अगर सिमिलरली हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड के लेते हैं तब क्या करेंगे दोनों सी डबलो एच का एवरेज करेंगे दोनों सी एच का जो पीके वैल्यू होगा उनका एवरेज करेंगे बल्कि एन एस टू नहीं करेंगे पहले इसको नोट डाउन करो वो भी समझाता हूं ठीक है ना तो पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको अब हम लोग देखते हैं कि एसिडिक एमिनो एसिड का एसिडिक एमिनो एसिड का कैसे हम लोग आइसोलैक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करेंगे मतलब जिसमें साइड चेन होगा आयनाइजेबल साइड चेन होगा मोर देनएच टू ग्रुप रहेगा या मोर मतलब मोर एनएच टू ग्रुप रहेगा देन द या तो मोर सी डब्ल्यू एच ग्रुप रहेगा NH2, उसको बोलते हैं आयनाइजेबल साइड चेन एक करते हैं ग्लूटामिक एसिड क्या करते हैं ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है पे एन एच टू और यहां पे क्या है सी डब्लू एच तो यहां पे भी क्या है यहां पे क्या है दो एसिडिक ग्रुप ज्यादा है मतलब एसिडिक ग्रुप ज्यादा है देन द एन एच ग्रुप ठीक है ना अब यहाँ पे पीके वैल्यू भी दे रखा है इसका पीके वैल्यू दे रखा है तुम्हारा टू पॉइंट वन नाइन टू पॉइंट वन नाइन इसका पीके वैल्यू दे रखा है नाइन पॉइंट सिक्स सेवन और इसका दे रखा है फोर पॉइंट टू फाइव है

किस फॉर्म में एनएनिक फॉर्म है अब सबसे बेसिक कौन है ना बेसिक होगा एन टू तो ये क्या होगा सबसे यह क्योंकि इसका पीके वैल्यू क्या है सबसे ज्यादा है जिसका पीके वैल्यू ज्यादा है वो बेसिक है जिसके पीके वैल्यू कम है वो क्या है एसिडिक है तो ये जो एसिडिक है वो तो आसानी से एच प्लस को छोड़ देगा क्योंकि स्ट्रॉग एसिड है तो ये सी डबल माइनस में रह जाएगा और एन एस टू क्या है ये मोर बेसिक है तो ये क्या होगा प्रोटोन कैप्स करके कैटायनिक फॉर्म में रह जाएगा तो इसका जो ज्विटरिक फॉर्म बनेगा वो कौन सा बनेगा ज्विटरिक फॉर्म इसका इसका जूटारैनिक फॉर्म जो बनेगा स्त्री प्लस और यहां पे क्या होगा सी ओ माइनस ठीक है ना ये इसका जूटा फॉर्म है आप बताओ कि इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे ना सिमिलरली आयनाइजिंग ग्रुप का जो पीके वैल्यू है उसका एवरेज करेंगे तो यहां पे सिमिलरली आयनाइजिंग ग्रुप कौन है ना सी डब्ल एच इन दोनों CWH, तो इसका हम लोग क्या करेंगे एवरेज करेंगे तो इसका जो पी है इसका जो आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है दैट इज इक्वल टू टू पॉइंट वन नाइन प्लस फोर पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई टू तो ये कौन कितना वैल्यू आएगा ये आएगा थ्री पॉइंट टू टू कितना आएगा एवरेज कर लेना यह आएगा थ्री पॉइंट टू टू अब बात है कि यहां पे हम लोग दोनों सी डब्लो एच का पीके वैल्यू को ही क्यों एवरेज किया एने का वैल्यू को एक्सक्लूड क्यों कर दिया ए नई का पीके वैल्यू को एक्सक्लूड क्यों कर दिया ये इंपॉर्टेंट है तो यहां पे देखो यहां पे क्या है अगर मान लो मल्डीजुटैनिक फॉर्म में है तो अगर हम लोग एसिडिक मीडियम कर दिया तो एसिडिक मीडियम में कर दिया तो यहां पर बेसिक कौन है ना सी डब्लू माइनस ये क्या होगा प्रोटोनेट होगा क्या हो जाएगा ये प्रोटोनेट हो जाएगा एसिडिक मीडियम में पीएच वैल्यू कम कर दिया तो अगर बेसिक मीडियम कर दिया मतलब पीएच वैल्यू ज्यादा कर दिया अब सी डब्लो एच और एनएच थ्री प्लस में कौन ज्यादा एसिडिक है बताओ सी डब्लो एच और एनएच थ्री प्लस में ना सी डब्लो एच ज्यादा एसिडिक है देन NH3 तो कौन ना ये डिप्रोटोनेट हो जाएगा तो पीएच कम करने से ये प्रोटोनेट हो जा रहा है और पीएच ज्यादा करने से ये डिप्रोटोनेट हो जा रहा है तो मेनली क्या आ रहा है यही दोनों ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है चेंज चेंज करने से ये ये ज्यादा नहीं हो रहा है इस ग्रुप का कोई फंक्शन नहीं है इसका मतलब इसका जो पॉइंट होगा इन दोनों पीके वैल्यू का क्या होगा एवरेज करना होगा इसीलिए इन दोनों पीके वैल्यू का हम लोग एवरेज किया है बात समझ में आया सिमिलरली ऐसे बेसिक मीडियम मतलब यहां पे बेसिक एसिड के लिए ही बताया था कि दोनों एनएच2 का क्या करा हम लोगों ने इन दोनों का एवरेज किया बात समझ में आया तो ये ध्यान में रखना है कि अगर एसिडिक अमीनो एसिड दे दिया या बेसिक अमीनो एसिड दे दिया तो उसके लिए तुमको क्या करना है कि सिमिलरली आयनाइजिंग ग्रुप जो है उन दोनों का एवरेज करना है क्यों करना है उन दोनों का एवरेज ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे अच्छा और एक चीज नोट डाउन कर लो इसमें कि एमिनो एसिड्स नोट डाउन करो एमिनो एसिड्स Having more CWH, amino acid having more CWH than NH2 will have amino acids having more CWH more CWH than NH2 will have PI matlab, isoelectric point less than 7, less than 7. <coughs> Next point <coughs> likho. amino acid having more NH2. एमिनो एसिड्स हैविंग मोर एन than the C double डब्लू एच ग्रुप देन दी डबल एच ग्रुप इट्स पी its pI, पी आई मतलब आइसोलैक्ट्रिक पॉइंट its pI is more than seven, more than seven, मतलब ये क्या बोल रहा है ये सिंपली बोल रहा है कि अगर तुम्हारा एसिडिक एमिनो एसिड है क्या है एसिडिक एसिडिक एमिनो एसिड है एसिडिक एमिनो एसिड है तो उसका पी क्या होगा अगर एसिडिक अमीनो एसिड है तो उसका पी क्या होगा एसिडिक अमीनो एसिड तो उसका जो पी होगा दैट इज लेस देन सेवन से कम होगा ठीक है ना और बेसिक अमीनो एसिड है बेसिक अमीनो एसिड अगर होगा तो उसका पी आई वैल्यू क्या होगा ना ग्रेटर देन सेवन ग्रेटर देन सेवन होगा अगर acid, मतलब अगर एसिडिक अमीनो एसिड मतलब डब्लू एच ग्रुप ज्यादा रहेगा सी डब्लो एच ग्रुप ज्यादा रहेगा तो उसका जो पी आई होगा क्या होगा सेवन से कम होगा देखो यहां पे थ्री पॉइंट टू टू और अगर बेसिक अमीनो एसिड है उसका पीएच क्या होगा मतलब पॉइंट क्या होगा 7 से ऊपर अभी हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर पर सेवन से ज्यादा होगा बट अगर इक्वल नंबर ऑफ एन टू और इक्वल नंबर ऑफ सी डब्लूएच ग्रुप रहेगा मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड न्यूट्रल अमीनो एसिड न्यूट्रल एमिनो एसिड अगर रहेगा मतलब इक्वल नंबर ऑफ एन एस टू और सी डब्लू एच ग्रुप रहेगा तो उसका पी आई क्या होगा मतलब उसका जो आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सेवन सेवन के बराबर होगा एक्जैक्टली सेवन तो नहीं होगा या सेवन मतलब या सिक्स पॉइंट नाइन फाइव ऐसे या सेवन पॉइंट वन मतलब सेवन के अप्रोक्सिमेटली सेवन के क्या होगा नियरेस्ट होगा तो ये चीज भी ध्यान में रखना होगा ठीक है ना अब इसका कुछ न्यूमेरिकल करते हैं कैसे एग्जाम में आया था क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखो एक क्वेश्चन लिखो कि मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग यहां पे क्वेश्चन यहां पे लिख रहा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तो यहां पे पहले दे रखा है एन एच टू सी एच टू सी डबलो एच और इधर दे रखा है तुमका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है pI और यहाँ पे दे रखा है एमिनो एसिड यहाँ पे दे रखा है एमिनो एसिड ठीक है ना यहाँ पे एमिनो एसिड दे रखा है और उसका पी आई दे रखा यहाँ पे भी वन में दे रखा है नाइन पॉइंट फाइव ठीक है ना यहाँ पे सेकेंड में जो अमीनो एसिड दे रखा है सी डब्लो एच यहाँ पे दे रखा है एन एच टू सी H एच सी डब्लो एच और यहाँ पे दे रखा है सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स पॉइंट जीरो थर्ड में दे रखा है यहाँ पे एन एच टू एन एच टू एन एच टू यहाँ पे सी डबलो एच और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट वन किसके से मैच करना है ये तो देखते हैं ट्राई करो पहले ट्राई करो चलो ट्राई करो एक ठीक है तो यहां पे देखो एक चीज क्या है ना यहां पे ये क्या है एक एन एस टू ग्रुप है एक सी डब्लूच ग्रुप है तो ये क्या है न्यूट्रल अमीनो एसिड ये क्या हो गया हमारा न्यूट्रल एमिनो एसिड ये क्या हो गया न्यूट्रल क्या हो गया न्यूट्रल है अमीनो एसिड हो गया ये न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया यहां पे क्या दो सी डबल है एक एन है तो सी डब्ल ग्रुप ज्यादा है ना तो सी डबल ग्रुप ज्यादा है तो क्या होगा ये एसिडिक अमीनो एसिड क्या है ये एसिडिक एसिडिक अमीनो एसिड अमीनो एसिड अब यहां पर क्या है देखो यहां पर क्या है दो एनएच टू ग्रुप है एक सी डब्लच तो यह क्या हो गया बेसिक अमीनो एसिड ये क्या हो गया बेसिक अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड अब हो गया तो हमने अभी तो बताया जो बेसिक अमीनो एसिड होगा उसका आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा सात से ऊपर तो सात से ऊपर कौन सा वैल्यू है तो यहां से क्या होगा थर्ड के साथ किसका मैच होगा थर्ड अच्छा पहले फर्स्ट से करते हैं तो वन से क्या होगा वन तो क्या है न्यूट्रल तो अमीनो एसिड जो है वो क्या होगा सेवन से नजदीक होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू सेवन एक ही वैल्यू है सिक्स पॉइंट जीरो तो वन का क्या होगा वन का क्या होगा ना सेकंड 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 का, acid. का क्या होगा एसिडिक अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड का क्या होगा पी आई लेस देन सेवन तो लेस देन सेवन कौन सा है 3 वाला तो ये जो सेकंड है इसका जो वैल्यू होगा वो कौन सा होगा थर्ड कौन सा होगा ये थर्ड होगा थ्री पॉइंट वन नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड का थर्ड क्या है बेसिक अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड तो बेसिक अमीनो एसिड का आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा सेवन से ऊपर सेवन से ऊपर क्या होगा? एक ही वैल्यू है नाइन पॉइंट फाइव तो ये जो थर्ड का होगा थर्ड का होगा ये क्या हो गया हमारा हो गया फर्स्ट ये क्या हो गया फर्स्ट तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में कैसे दे देगा दे और इधर वैल्यू देगा तुमको मैच करने बोलेगा ठीक है और कैसे आ सकता है देखो एक लिखो मेंस के लिए मैं नीट और मेंस के लिए भी है ऐसे आ सकते एग्जाम में लिखो एक क्वेश्चन लिखो कि पीके वैल्यू ऑफ लाइसिन पीके वैल्यू ऑफ लाइसिन टू पॉइंट वन एट टू पॉइंट वन एट कमा एट पॉइंट नाइन फाइव पी के वैल्यू ऑफ लाइसिन पी के वैल्यू ऑफ लाइसिन आर पी के वैल्यू ऑफ लाइसिन सर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि पी के ए वैल्यू दे रखा है पी के ए वन मान लो दे रखा है तुम्हारा 2.18 पॉइंट वन एट पी के ए टू दे रखा है पी के ए टू दे रखा है पी के टू दे रखा है तुम्हारा एट पॉइंट नाइन फाइव एट पॉइंट नाइन फाइव और पी के ए थ्री दे रखा है पी के ए थ्री दे रखा है टेन पॉइंट सेवन नाइन टेन पॉइंट सेवन नाइन ठीक है ना टेन पॉइंट सेवन नाइन तो क्वेश्चन है पी के वैल्यू ऑफ लाइसिन आर टू पॉइंट वन एट कमा एट पॉइंट नाइन फाइव एंड टेन पॉइंट सेवन नाइन देन वाट इज द पी आई ऑफ लाइसिन देन व्हाट इज़ दी आई ऑफ लाइसिन लाइसिन का पीआई क्या है व्हाट इज द पीआई ऑफ लाइसिन लाइसिन का जो पीआई है वो पूछा गया, तो गया है तो कैसे करोगे इसको बताओ इसको कैसे करोगे यहां पे तुमको ना तो कोई स्ट्रक्चर दे रखा है कुछ नहीं दे रखा खाली पीके वैल्यू दे रखा है तब क्या करोगे तब करना है तो जो नियरेस्ट पीके वैल्यू है उसका एवरेज करना है

Approximately सिक्स पॉइंट समथिंग और यहां पे देखो बहुत कम है तो ये दोनों पीके वैल्यू क्या है नजदीक है तो इस टाइप क्वेश्चन में तुमको वही पीके वैल्यू को कंसिडर करना है वही दोनों पीके वैल्यू का एवरेज करना है जो दोनों पीके वैल्यू क्या है नजदीक में है तो इसका पीआई वैल्यू क्या होगा इसका यहां पे लिखना एक चीज कि टेक दैट पीके वैल्यूज टेक दैट पीके वैल्यूज विच आर नियरेस्ट टू ईच अदर स्ट टू ईच अदर तो यहां पे नियरेस्ट में कौन है ये दोनों क्या है ये दोनों नियरेस्ट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे इनको इंक्लूड करेंगे include करेंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग एक्सक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे मतलब इनको हम लोग नहीं लेंगे इन दोनों पीके वैल्यू का क्या करेंगे एवरेज करेंगे तो इसका पी आई वैल्यू क्या हो जाएगा इसका पी आई वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ न इसका पी आई वैल्यू हो जाएगा इन दोनों का एवरेज कर दो दैट इज That पॉइंट नाइन फाइव प्लस टेन पॉइंट सेवन नाइन डिवाइडेड बाई टू तो ये हमारा इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा ठीक है ना तो ये हमारा क्या हो गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर समझ लिया हम लोग को यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि कैसे इसको सॉल्व करना है तो ये हम लोग देख लिया इसके बाद जो हम लोग एम्यूनो एसिड में डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली प्रिपरेशन एम्यूनवर्सिटी कुछ दो तीन प्रिपरेशन है इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है ना एम्यूनवर्सिटी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है कौन सा रिएक्शन में केमिस्ट्री का कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो हम लोग देखेंगे